8 अगस्त को कोलकाता में अस्पताल में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर कांड की घटना ने एक बार फिर से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है और देश भर से लाखों डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अब इसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ ऋषिकेश एम्स के तमाम डॉक्टर्स सड़कों पर उतरकर घटना का विरोध कर रहे हैं। ये मामला क्या है, अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है और उत्तराखंड में इसका क्या असर देखने को मिल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूँ आपके साथ सरिता तिवारी। दरअसल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। देश भर के लाखों डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। देश भर के कई अस्पतालों में डॉक्टर्स घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के एम्स वहीं आरएमएल समेत सभी सरकारी अस्पतालों में वैकल्पिक सेवाएं बंद हो गई हैं। ओपीडी सेवाएं और सर्जरी प्रभावित हो रही है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, तो वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स के तमाम डॉक्टर्स भी सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों ने भी जुलूस निकाला और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में तमाम सीनियर और जूनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर यहां पर शामिल हुए और ऐसे में एम्स की ओपीडी भी प्रभावित हुई है, जबकि सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं और सभी चिकित्सक इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर डॉक्टर प्रतिभा हूँ, अगर अस्पताल में भी हेल्थ केयर वर्कर्स, मैं डॉक्टर प्रतिभा हूँ, मैं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर रेजिडेंट हूँ। मेरा एक ही मांग है सरकार से कि जैसे आज एक नारी के साथ ये हुआ है, हो सकता है कि ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है और ये केवल वेस्ट बंगाल में नहीं, कहीं भी जगह पे हो सकता है। तो सरकार को ये मांग है कि हर हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं, सारी सिक्योरिटी जुगाई दे जाए ताकि कोई भी महिला एक हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षित रह पाए, बस यही मांग है मेरी। ऋषिकेश, हमारे साथ हमानर सिंह यूनियन भी आया है, बाकी हेल्थ केयर वर्कर भी हमारे साथ है। तो आज एम्स के जितने भी जूनियर रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि एक कोलकाता में बहुत भयावह हादसा हो गया है। एक फीमेल रेजिडेंट पल्मोनरी मेडिसिन की डॉक्टर थी, सेकेंड ईयर द्वितीय वर्षीय, वो अपने सेमिनार कक्ष में खाना खाने के बाद रेस्ट करने के लिए गई थी, पढ़ाई करने के लिए गई थी। सुबह 3 बजे तक उनको जिंदा देख पाया गया, लोग जानते हैं, लेकिन सुबह 6 बजे तक उनकी कोई खबर नहीं ली। उसके बाद 9 अगस्त को हमें पता चला कि उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, रेप के बाद, मर्डर से पहले मर्डर के बाद रेप किया गया। तो एक महिला डॉक्टर जो कि 36 घंटे अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसका क्या दोष था? क्या वो वहां पे सिर्फ मरने के लिए गई थी? नहीं। इसलिए पूरे देश में रोष है। सब डॉक्टर्स यूनियन आज साथ आ गई है, नर्सिस यूनियन अब भी साथ आने, हमारे साथ जुड़ने लग गई है। तो हम सड़कों पे इसलिए उतर के आए क्योंकि उसको अभी तक उचित न्याय नहीं मिला है। आवाज को दबाया गया है, सुसाइड करार नाम देके उसको सिर्फ आवाज को दबाया गया है। सुसाइड नहीं थी वो मर्डर था, रेप था। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि उसको उचित न्याय मिलना चाहिए। जनता को हम बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ कांड नहीं है, ये एक भारतीय नारी के साथ हुआ एक दुर्व्यवहार, दुष्कर्म और मर्डर है। ये हर एक महिला का रेप और महिला का मर्डर है जो भारतीय नारी है। तो हम आप सब आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप इसको डॉक्टर्स के साथ जोड़ के मत देखिए, ये हर एक भारतीय नारी के लिए इक्वल आपका सम्मानजनक उसमें ठेस पहुंची है। सबको इस चीज में हमारे साथ जुड़ना चाहिए, जनता को हमारे साथ देना चाहिए कि सरकार हमारा इस चीज में हमारी मांगे सुने, न्याय दे, पीड़िता को उचित न्याय मिले, जिन्होंने दुष्कर्म किया है वो उन अपराधियों को पकड़ा जाए, उनको कड़ी से कड़ी ठोस उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए और उनको उचित दंड मिले। बाकी जो प्रशासन अपनी ड्यूटी में फेलियर के रूप में सामने आया है, उनमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन सबको उचित सजा मिले, उनका रेजिग्नेशन मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट, आगे ये सब चीजें किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के साथ ना हो तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की हमारी मांग है, और साथ में पीड़िता का जो परिवार है उसको और आगे परेशानी ना आए, उसको समय पर जो है न्याय मिले, उचित उनको मुआवजा मिले, हमारी ये सब मांगे हैं। जब तक हमारी ये सब मांगे पूरी नहीं होंगी, पूरे देश में स्टेप बाय स्टेप हमने जो हड़ताल है वो चालू कर दी है, वो और आगे बढ़ेगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, पूरे देश में जो डॉक्टर्स की वो मांगे पूरी नहीं होंगी, पीड़िता को उचित न्याय नहीं मिलेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे,
हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि केस को जल्द से जल्द सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अभी मामला क्या है आपको हम बताते हैं और इसमें अब तक क्या क्या हुआ। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी कर रही एक 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में पड़ा हुआ मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि पीड़िता की हत्या गला घोटकर की गई, उससे पहले रेप किया गया। वहीं इससे पहले ऑटोप्सी जो रिपोर्ट उसमें सामने आया कि पीड़िता के बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट आंखों और मुंह से खून बह रहा था, चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे, उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होंठों पर भी चोट के निशान थे, उसके गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि अगर रविवार तक पुलिस इस मामले में संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर पाई तो केस सीबीआई को दे देंगे। फिलहाल आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 यानी बलात्कार और 103 यानी हत्या के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।